पढ़ गया है क्यों? जिसका पता वो तो पढ़ गया है, पता ही नहीं था। अभी अपना जो रिवीजन चल रहा है इसी तरह चल रहा, पूछ लेता आस पास उससे। चलो लास्ट कहाँ तक कर लिया था? मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों हो गए ना, दोनों हो गए। चलो अपन पढ़ रहे हैं परिपथ, है ना। एक परिपथ होता है RLC परिपथ। RLC परिपथ किसे कहते हैं? वे ऐसी पथ जिसमें क्या हो, प्रतिरोध हो, चौक हो और कैपेसिटर हो। इस प्रकार बना परिपथ क्या कहलाता है? RLC, जिसमें क्या हो, R हो, L हो और C हो। वे ऐसी परिपथ जिसमें प्रतिरोध हो, चौक हो और कैपेसिटर, तीनों साथ में संयोजित हो, वो क्या कहलाता है? RLC परिपथ कहलाता है। चलो क्या आगे, अगला RLC परिपथ। इसकी RLC अच्छा, इसका भी इकाई क्या होती है? ओम। इसकी इकाई हेनरी और इसकी इकाई फैराड। क्या होती है? 12 के अंदर, है ना, 12 के अंदर बताते हैं ये चीजें। अब अपने को सारी ओम में चाहिए होगी। अगर आप हेनरी को ओम में बदलते हो तो, अगर इसको हेनरी को ओम में बदल दो तो प्लस जे की गुणा होती है। किसी की गुणा होती है? प्लस जे की गुणा। और अगर फैराड को बदलना है तो माइनस जे की गुणा। अगर पूरा डेरिवेशन करेंगे ना तो आगे जाकर वो फॉर्मूला पड़ेगा अंडर रूट में एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस। अपने को इतना डीप नहीं जाना होता, बस इतना आरएलसी परिपथ, आरएलसी परिपथ का कुल प्रतिरोध, का कुल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध क्या कहलाता है? प्रतिबाधा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबाधा कहलाता है। किसी आरएलसी परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या कहलाएगा? प्रतिबाधा कहलाता है। चलो आगे फिर बात करते हैं प्रतिबाधा की। प्रतिबाधा, प्रतिबाधा को प्रदर्शित किया जाता है किससे? जेड से। किससे प्रदर्शित किया जाता है? जेड से। फॉर्मूला इसका बनता है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस होल स्क्वायर। जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का, जिसमें आपको पता है आर क्या होता है? प्रतिरोध, एक्सएल बोले तो चौक, और चौक नहीं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, प्रेरणिक प्रतिघात। एक्सी क्या? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। चलेंगे आगे। अगला ये था आपका कुल प्रतिरोध। इसमें अपने कर लिए थे सवाल, तो कर ही लिए थे अपने, सवाल कर लिए थे बहुत सारे इसमें तो। चलो चलते हैं, चलूँ आगे। हाँ तो इंग्लिश में बता देता हूँ। ये लो इम्पीडेंस, ये कौन सी बड़ी बात है? ये तो आप लोगों को पता ही है। प्रतिबाधा बोल दो या इम्पीडेंस है। प्रतिबाधा जहाँ पे भी नाम दिखेगी, इकाई क्या बन जाएगी इसकी? ओम। इकाई क्या होती है इसकी? ओम होती है। इकाई क्या होती है? ओम होती है। यहाँ तक वो दिक्कत समझे, परेशानी? चलो आगे, छोटी सी चीज़ बताता हूँ उसके बाद समझना। यहाँ पे एक होता विलोमानुपाती, विलोमानुपाती यानी कि व्युत्क्रम, व्युत्क्रम। अब एक बात, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होता है? चालकता। क्या होता है? चालकता। प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है? चालकता। फिर अपने पास क्या है? एक जेड है, जेड यानी कि प्रतिबाधा। प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है? प्रतिबाधा का उल्टा क्या होता है? एडमिटेंस। क्या होता है? एडमिटेंस। मैं लिख देता हूँ चालकता, इसका उल्टा होता है एडमिटेंस। भाई बोलते हैं इसको प्रदेश किसे करते हैं? एडमिटेंस। पढ़ गया नहीं है क्या आज? एडमिटेंस। फिर आता अपने पास कौन? एक्स। एक्स यानी कि रिएक्टेंस। एक्स का मतलब रिएक्टेंस। रिएक्टेंस का उल्टा होता क्या? बी। कैपिटल बी, जिसको आप क्या बोलते हो, ससेप्टेंस। ससेप्टेंस। चलूं आगे, अरे ये पढ़ा रखा ना सबसे पहले, चले देखो प्रतिरोध, ये इधर सारे क्या है, प्रतिरोध है, इधर वाले सारे क्या है, प्रतिरोध, और इन सब की क्या है, ओम। चाहे तो प्रतिरोध की पूछ ले, चाहे किसकी पूछ ले, प्रतिबाधा की, चाहे रिएक्टेंस की। अच्छा ये जितनी भी आपको दिख रहे हैं ये वाले, ये सारे क्या है, चालक है, ये क्या है, चालकता, ये सारी क्या है, चालकता। तो इन सब की क्या क्या बनेगी, इन सब की क्या क्या बनेगी, चालकता की क्या क्या होती है, मोह या साइमन। और प्रतिरोध का उल्टा ना, तो चालकता की क्या क्या होगी, मोह या साइमन। चिन्ह याद रखना, इसको उल्टा ऐसे लिखते हैं, ओम का उल्टा क्या होता है, ऐसे मोह। चलूंगे आगे, अगर आपको बोले चालकता का उल्टा क्या होता है, चालकता का उल्टा पूछ ले तो ये जो तीर के निशान लगे हैं ना, ये इसमें भी बदल सकता है, इसको भी, इसमें भी बदल सकते हैं। चालकता का उल्टा प्रतिरोध, एडमिटेंस का उल्टा जेड यानी प्रतिबाधा, ससेप्टेंस का उल्टा एक्स। इनके सिंबल याद रखना, चालकता का सिंबल जी, एडमिटेंस का वाई, ससेप्टेंस का बी। यहां तक को दिक्कत, समझ से परेशानी हो जाएगा ना। चलो फॉर्मूले बनाएंगे इन सबके, आर बराबर 1/g। नहीं लिख सकते क्या, लिख सकते हैं, या अपन क्या लिख सकते हैं, या g बराबर 1/r। दोनों बात सही है। अगर आपको प्रतिरोध दे दे तो चालकता नहीं निकाल सकते क्या, और चालकता दे दे तो प्रतिरोध नहीं निकाल सकते। चलो इसका फॉर्मूला बनाए, इसका फॉर्मूला आप बता दो कैसे बनाए। प्रतिबाधा z बराबर 1/y, या क्या लिख देंगे, y बराबर 1/z। जहां y बराबर क्या होता है, एडमिटेंस, z बराबर इंपीडेंस। अच्छा उसके बाद ससेप्टेंस का बनाएंगे x बराबर क्या लिख देंगे, b, या क्या लिख देंगे, b बराबर 1/x। जहां b का मतलब ससेप्टेंस, x का मतलब रिएक्टेंस। इन सब की क्या क्या होगी, मोह या साइमन, हो जाएगा ना। यहां तक वो दिक्कत, समझे परेशानी लग रही तो बता दो। चले आगे, अब देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा आपको, आरएलसी परिपथ। आरएलसी परिपथ दो प्रकार के पढ़ेंगे बस, श्रेणी और समांतर। उनके अंदर आपको संबंध, अभी कौन सा ही है श्रेणी, अभी तो कौन सा है श्रेणी। मैं दोबारा लिख के बता दूंगा। इसके अंदर अपने को ये तो लगाना फॉर्मूला, साथ में क्या निकालना पड़ेगा, इनके व्युत्क्रम में भी संबंध निकालेंगे। व्युत्क्रम का भी क्या निकालना अपने को, संबंध। अगर मैं यहाँ पे आर किसी का क्या लिख दूं, आर किसी का क्या लिख सकता हूं मैं, जी नहीं लिख सकते क्या, जी का स्क्वायर प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर, नहीं लिख सकते क्या भाई, उल्टे है ना, नहीं लिख सकते। अगर वोल्टेज का पूछेगा तो आगे वी लगा देंगे, और आई का पूछे तो आई लगा देंगे। नहीं समझेगा मेरी बात को आप। इसकी जगह प्रतिरोध की जगह आप जी लगा सकते, नहीं लगा सकते, तो अपन नहीं लिखा सकते क्या। और इसका फॉर्मूला ये भी तो बना सकते हैं, जेड का उल्टा बताओ पहले क्या होगा, तो वाई का स्क्वायर बराबर आर का उल्टा जी स्क्वायर प्लस एक्सएल का उल्टा है बी एल ही लिखेंगे, माइनस बी सी का। आजकल सवाल इनमें क्या आने लगे, नहीं बना सकते क्या खुद। अगर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो सब पे वर्ग नहीं आ जाएगा, ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलें क्या आगे, यहां तक कोई दिक्कत, समझे परेशानी, देख लो फिर से होता है। चलो क्या देखो, ये तो अपना प्रतिरोध क्या सेपरेट है, एक सीधे चालक तार का प्रतिरोध हो गया, गोल वस्तु का प्रतिरोध। जेड क्या है, आर एल सी मिलाकर है, एल का भी प्रतिरोध है, सी का प्रतिरोध है, प्रतिरोध का भी खुद का प्रतिरोध है। एक्स क्या एक सेपरेट है, जिसके अंदर अपन ये भी लिख सकते हैं, अपने पास क्या है एक एक्सएल भी तो होता है। एक्सएल क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। चलो आगे, ये तीर क्या बताता है, इसको भी बदल सकते हैं, इसको उसमें भी बदल सकते हैं। एक्सएल है, एक्सएल का उल्टा पहले तो ये बताओ, चलो एक्स का उल्टा क्या होता है, ससेप्टेंस। बात किसकी कर रहे हो, चौक के तो एल नहीं लिख देंगे क्या, यही तो उल्टा फॉर्मूला नहीं बना सकते इसका। एक्सएल बराबर 1/में बी एल, लोग बोलते क्या करवाए, नहीं चीज वही है। अब कैपेसिटी कैपेसिटेंस का निकाले, उल्टा तो क्या होगा बी सी होगा, यानी ससेप्टेंस कैपेसिटी ससेप्टेंस एक्स सी बराबर में एक 1 अपॉन में बी सी। इनकी भी क्या क्या बनेगी, तो सेम ही तो यही तो चीज मैंने लिखवाई है। आगे एल लगा दोगे इधर एल लग जाएगा, इधर सी लगा दोगे इधर सी लग जाएगा, यही तो फॉर्मूला। देखो यहाँ पे एल लगाओ तो किसका बन जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का बन जाएगा, सी लगाऊंगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का बन जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब उतार लो, उतारते हैं चले। आरएलसी परिपथ जो खुद कितने प्रकार के बनते हैं, 2 प्रकार के। मैंने कहा सर कौन कौन से, एक तो कौन सा होगा श्रेणी आरएलसी, एक तो होगा श्रेणी आरएलसी, श्रेणी आरएलसी। एक कौन सा होता है समानता आरएलसी, यही तो होता है श्रेणी आरएलसी और समांतर आरएलसी। श्रेणी का जो डायग्राम बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया था आपने, ये तो बनेगा आरएलसी, ये तो है। चौक पर लकीर रहेगी, ये ले लकीर कर देते हैं, सही बात है, वरना खाली कॉइल का वो बन जाता है। अब देखो ये हो गई सप्लाई। अगर आपको क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है, यानी कि कुल प्रतिरोध निकालना, तो क्या कैसे निकालेंगे, Z बराबर अंडररूट में R2 प्लस XL माइनस XC का, ऐसे तो निकलेगा। अब क्या निकालते हैं व्युत्क्रम के संबंध में, किस क्रम में, व्युत्क्रम के संबंध में। व्युत्क्रम के अगर संबंध में निकालेंगे तो Z का उल्टा क्या होता है बाई, यानी कि एडमिटेंस। क्या होता है एडमिटेंस बराबर अंडररूट का अंडररूट, आर का उल्टा क्या होता है जी, जी का स्क्वायर प्लस एक्सएल मतलब एक्स का उल्टा बी, एल का एल माइनस बी का बी, सी का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, कोई खुद बना लेंगे। अब देखो श्रेणी क्रम के अंदर किसका मान बराबर चलता है, धारा का या वोल्टेज का। धारा का मान क्या चलता है श्रेणी क्रम में, धारा का मान क्या चलता है सम्मान चलता है या बराबर चलता है, सम्मान चलता है। तो अपन क्या निकालेंगे वोल्टेज निकालेंगे, धारा तो क्या निकलती है समान, तो क्या निकालेंगे वोल्टेज निकालें, वोल्टेज का निकालते हैं तो वी बराबर अंडररूट में वी आर का होल स्क्वायर। ये क्या निकल रहा आप नहीं समझ आएगा, प्रतिरोध का वोल्टेज प्लस। सेम फॉर्मूला लगा दो पहले, तो एक फॉर्मूला क्या होता है अपन लिखते हैं ना एक्सएल माइनस एक्सी का, यही तो लिखते हैं। अब एक्स को हटाओ, ये तो है ही, क्या लिख देंगे वीएल माइनस वीसी का होल स्क्वायर। नहीं बन गया, मैंने यहाँ वोल्टेज का ही क्यों निकाला, धारा क्यों नहीं निकाला, धारा तो क्या चलती है समान। तो तीनों के अलग अलग चीजें यार, आरएलसी परिपथ में क्या चलेगा, तीनों क्या चलेंगे, धारा क्या चलेगी सब में समान। उसके बाद अगर प्रतिरोध के संबंध में पूछे तो ये हो गया Z बराबर अंडररूट में R2 प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। व्युत्क्रम के संबंध में पूछे तो ये बन जाएगा y बराबर G2 प्लस BL माइनस BC का होल स्क्वायर। वोल्टेज का अगर पूछे तो कैसे निकल जाएगा VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ये खुद बना सकते, रटने की जरूरत है क्या इसको, एक याद होना चाहिए बस, इससे काम हो जाएगा और कुछ ही नहीं करना। चलूंगे आगे। अब एक बात बताओ, यदि यदि चलो ये मैं बाद में करवा दूंगा। समांतर परिपथ के अंदर आ जाता है। समांतर परिपथ डायग्राम कैसे बनेगा, R L और ऐसे ही बनेगा। चलो हाँ, और करना तो मैं गलत थोड़ी बनाऊंगा। सप्लाई RLC, ये R का सिंबल होता है, ये L का होता है और ये कैपेसिटर का, यानी कि C। सेम चलता है इसके अंदर। इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसमें क्या निकालना पड़ेगा I निकालना पड़ेगा। इसमें क्या चलता है वोल्टेज का मान क्या चलता है समान, वोल्टेज का मान क्या होता है समान, इसलिए क्या निकालेंगे, इसलिए क्या निकालते हैं धारा निकालते हैं। धारा कैसे निकलेगी, हो गया बस। ये कौन सा है? समांतर समांतरक्रम करवा रखा पहले भी, एक लाइन करवा रखी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, अब क्या पढ़ेंगे? कुछ एक परिपथ पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, एक होता है आरएल परिपथ, एक क्या होता है आरसी परिपथ। एक होता है आरएल परिपथ और एक क्या होता है आरसी परिपथ, जिसके अंदर क्या होगा, एक में कैपेसिटेंस नहीं होगा, एक में कैपेसिटेंस नहीं होगा, एक में क्या नहीं होगा, चौक नहीं होगा। करवाता है, इतना देखो पहले। चलें आगे, अब पढ़ेंगे क्या, आर एल परिपथ। एक होता है आर एल परिपथ और एक क्या होता है आर सी परिपथ। आर सी परिपथ, आर एल और आर सी, इसमें क्या क्या होता है? प्रतिरोध और चौक होगा, प्रतिरोध और चौक होगा, यही तो है। अच्छा, जेड कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या था जेड का? आर स्क्वायर प्लस बस एक्सएल ही तो है ये, तो केवल इतना लगा देंगे, नहीं लगा देंगे क्या इतना? चलो, उसके बाद व्युत्क्रम के संबंध में निकाले, क्या हो गया सुनील? व्युत्क्रम का संबंध निकाल दें, जेड का उल्टा वाई होगा, अंडर रूट का आर का उल्टा जी का, उसका एक्सएल का यानी कि हाँ, ठीक है भाई। चले, ये भी दो प्रकार का बनेगा, श्रेणी और सर। अभी कौन सा है? ये भी दो प्रकार का बनेगा, साथ ही करवा देता हूं, आरएल श्रेणी और आरएल समांतर। नहीं बनेगा क्या? आरएल श्रेणी और आरएल समांतर। आरएल जो श्रेणी क्रम है, इसके अंदर कैसे बनेगा? एक रेजिस्टेंस ऊपर लग जाएगा और नीचे क्या लग जाएगा, चौक। और सॉरी, श्रेणी बनाना, श्रेणी श्रेणी है ना, अरे सॉरी गलती हो जाती है कभी कभी। चले, श्रेणी हो गया, अरे श्रेणी, ये चीजें सारी सेम है। श्रेणीकरण किसका मान बराबर चलता है, तो क्या निकालेंगे वोल्टेज का, तो V बराबर अंडर रूट में VR का स्क्वायर और VL का स्क्वायर। आगे क्या मिलेगा समझ में? तो इसमें इसका खुद बता दो फॉर्मूला, डायग्राम तो ऐसे बनेगा। अब तो सारे होशियार हो, अब किसका निकालेंगे धारा? फॉर्मूला प्लस आई एल का उसके, हो गया बस, खत्म। चलो ना, शाबाश। आरसी परिपथ है, आरसी परिपथ, इसमें क्या फॉर्मूला, कैसे डायग्राम कैसे बनेगा? ये लो सर, ऐसे बनेगा, आर और सी, जिसमें क्या होता है कैपेसिटर और प्रतिरोध होगा, सीधी सी बात है। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर क्या निकालेंगे? सेम फॉर्मूला तो हो गई, यानी कि क्या जेड अगर निकालना, जेड का फॉर्मूला क्या लगेगा? अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस, इस बार एक्स ही लग जाएगा। चले, अच्छा व्युत्क्रम का निकालें। चलो, व्युत्क्रम अगर निकालेंगे इसका, व्युत्क्रम का संबंध में, तो कैसे निकलेगा? जेड का उल्टा वाई, अंडर रूट का अंडर, आर का एक्स का उल्टा बी और सी, बी सी का होल स्क्वायर। बन गया। ये भी कितने प्रकार का बनेगा? नहीं बनेगा क्या? श्रेणी और आर सी श्रेणी और आर एल, सॉरी आर सी समांतर। चले, डायग्राम बनाऊंगा, सीधे कर लेते हैं। अब तो क्या लगेगा? श्रेणी में बनेगा। चलो बना देता हूँ सर, ये प्रतिरोध हो गया और ये कैपेसिटर हो गया, आर और सी। श्रेणीक्रम में बाकी सब तो ऊपर ने इसके बारे में पढ़ लिया। श्रेणीक्रम में क्या निकालना है? धारा या वोल्टेज? वोल्टेज श्रेणीक्रम में, धारा समान चलती तो अलग क्या चलेगा? वोल्टेज। जो अलग चलेगा उसी को तो निकालेंगे। वोल्टेज क्या निकलेगा? वी बराबर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। क्या बोल रहा हूँ प्रेम? वोल्टेज पूछ ले, कोई दिक्कत लग रही है तो? अरे ये क्यों निकाल रहे हैं अपन, धारा क्यों नहीं निकाल रहे? धारा तो क्या चलती सब पे समान, तो अलग कौन चलेगा? वोल्टेज, तो इसलिए वोल्टेज निकाल रहे हैं। आर सी समांतर, ये आर हो गया, ये सी हो गया, आर और सी। क्या निकालेंगे इस बार? इस पर निकालेंगे कि समानांतर वोल्टेज का मान क्या चलता है, समान चलता है। तो आई बराबर आई आर आई सी का अंडर तक। को दिक्कत समझ परेशान लग रही तो पूछो, हो जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, एक होता है कपलिंग गुणांक, क्या होता है इसको युग्मक गुणांक बोलते, क्या बोलता है युग्मक गुणांक। ये सीधा तो जुड़ेगा नहीं ना, ये होता है जब दो चौक को जोड़ते, क्या जोड़ते हैं, दो चौकों को जब जोड़ते हैं ना तब बनता है। जैसे मान लो ये चौक होगी और एक चौक ये होगी, इनको जोड़ेंगे ना तो ये तो L1 हो गया, ये क्या हो गया, ये बीच में क्या होता है M हो जाता है, क्या हो जाता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। युग्मक गुणांक बताता है कि आपको ये याद रखना है, युग्मक गुणांक जो है ना ये बताता है सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में संबंध। भाई इसके बीच में क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस होगा, करवा चुका हूं। स्वयं प्रेरण युग्मक गुणांक जो है स्वयं प्रेरण बे सह प्रेरण यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच संबंध बताता है, क्या बताता है, संबंध बताता है। चलो आगे, इसका फॉर्मूला क्या बनता है, K बराबर M बटा में L1 डॉट L2 जहां M का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, K का मतलब युग्मक गुणांक। चलूं क्या आगे, जिसके अंदर L1 का मतलब था पहले चौक का इंडक्टेंस, L2 का मतलब दूसरे चौक का इंडक्टेंस। यहाँ K जो होता है ये होता है युग्मक गुणांक, क्या होता है युग्मक गुणांक। यदि इसका मान कितना है, यदि इसका मान कितना है, एक है, कितना है एक है, तो वे आदर्श स्थिति कहलाती है, क्या कहलाती है, आदर्श स्थिति कहलाती है। चलूं क्या आगे, क्या कहलाती है, आदर्श स्थिति कहलाती। यदि K का मान जो है एक से क्या है कम है, यदि K का मान क्या है एक से कम है तो वह स्थिति कहलाएगी क्या, वास्तविक स्थिति कहलाती है। बस युग्म गुणांक के बारे में इतना याद रखना, एक तो फॉर्मूला याद रखना K बराबर M बटा में L1 डॉट L2 जहां M का मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, K का मतलब युग्म गुणांक, L1 का मतलब पहले कॉइल की इंडक्टेंस और L2 का मतलब दूसरे कॉइल का इंडक्टेंस। होता क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच क्या बताता है, संबंध बताता है। चलो दोनों चीजें ना, L1 भी और म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों के बीच में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। चलूं क्या आगे, यहां तक बताओ, हो जाएगा, उतारो फिर चलते। अब उसी की एंट्री है तो मेरा नया वाला मार्कर चले। परिपथ लगभग सारे हो गए, अब एक पढ़ेंगे कौन सा, जिसको बोलते हैं अनुनादी परिपथ, क्या बोलते हैं अनुनादी परिपथ, जिसको बोलते हैं रेजोनेंट सर्किट, क्या बोलता है रेजोनेंट सर्किट। वे आरएलसी परिपथ जिनमें एक्सल तथा एक्सी यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस, का मान बराबर हो, क्या हो बराबर हो, ऐसे परिपथ क्या कहलाता है, रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। यानी क्या लिख सकता है, एक्सल बराबर क्या हो जाए एक्सी हो जाए, ऐसा परिपथ क्या कहलाएंगे, रेजोनेंट सर्किट कहलाता है। चलूं आगे, अच्छा होता तो सारे ही इसमें भी प्रतिरोध होता है, इसमें भी क्या होगा चौक, इसमें भी क्या होता है कैपेसिटर, ये R L और C, लेकिन इसके अंदर क्या होता है एक्सल और एक्सी क्या हो जाता है बराबर हो जाता है। ऐसा परिपथ क्या कहलाता है, अनुनादी परिपथ। चले क्या गए, अब देखो मेरी बात, अगर मैं इसमें जेड निकालू, क्या निकालू जेड निकालू, तो जेड का फॉर्मूला क्या बनेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। पहले मैं ये बता देता हूँ अनुनादी परिपथ में कितने प्रकार के बनेंगे, दो प्रकार के। ये कौन सा है, श्रेणी अनुनादी, कौन सा है, यही लिख देता हूँ, ये छोड़ो यहां से करते हैं। अनुनादी सर्किट भी कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो कौन सा था, श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी, और एक कौन सा था समांतर अनुनादी, श्रेणी अनुनादी और एक समांतर अनुनादी। श्रेणी के अंदर तो सेम फॉर्म ये बनेगा प्रतिरोध, चौक और कैपेसिटर, ये एक्स एल एक्स सी और ये ए। प्रतिरोध अगर जेड निकालेंगे तो जेड निकालने का पूरा फॉर्मूला जेड बराबर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का। अब एक बात बताओ, अगर एक्सएल और एक्सी दोनों बराबर है तो दोनों की वैल्यू कितनी आएगी? इस पूरे की वैल्यू जीरो नहीं आ जाएगी क्या? जीरो का स्क्वायर कितना होता है? जीरो। तो एंड में क्या बचेगा? एक्सएल बराबर अंडर रूट में केवल वर्ग से स्क्वायर नहीं कट जाएगा क्या? तो जेड बराबर क्या बच गया? आर। तो श्रेणी अनुनादी परिपथ में, श्रेणी अनुनादी परिपथ में क्या होता है? प्रतिरोध क्या हो जाता है? प्रतिबाधा के बराबर हो जाता है। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिबाधा के। शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ, शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ कैसा परिपथ कहलाता है? श्रेणी अनुनादी परिपथ कहलाता है। खाली क्या बचा हुआ है? प्रतिरोध नहीं बचा हुआ क्या? नहीं बचा हुआ तो शुद्ध बोल सकते हैं। शुद्ध रेजिस्टिव परिपथ क्या कहलाता है? अनुनादी परिपथ कहलाता है। इसके इसमें कोई दिक्कत समझे परेशानी? हाँ, केवल प्रतिरोध बच गया। चले, एक होता है कौन सा? समांतर। समांतर के अंदर ऐसे जुड़ेगा प्रतिरोध, चौक और कैपेसिटर। इसके अंदर जेड बराबर क्या होता है? एक्सएल का होल स्क्वायर बटा में आर। सीधा याद रख लो वरना टाइम ज्यादा खर्च होगा। एक्सएल का स्क्वायर बटा में आर। प्रतिबाधा क्या होता है? एक्सएल स्क्वायर बटा में आर। ये फॉर्मूला याद रखना है, काम आएंगे। समांतर के अंदर तो क्या होता है? जेड बराबर एक्सएल स्क्वायर बटा में आर। और श्रेणी के अंदर जेड यानी कि प्रतिबाधा किसके समानुपाती रह जाती है? प्रतिरोध के। श्रेणी के अंदर तो ये लगेगा और समांतर के अंदर ये लगेगा। कोई दिक्कत समस्या परेशानी? चलें आगे। एक आपको पढ़नी क्या? श्रेणी अनुनादी फ्रीक्वेंसी, आवर्ती पढ़नी। क्या पढ़नी है? आवर्ती। अनुनादी फ्रीक्वेंसी, अनुनादी आवर्ती। चलो आगे। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर बराबर, एफ आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बराबर एक बट्टा 2 पाई अंडररूट में एल सी, अंडररूट में एल सी। कैसा है ये आप लोगों को पता है? करवा रखा है। अरे ओमेगा एल बराबर एक बट्टा में ओमेगा सी, ये संबंध होता है। इसको जब हल करते हैं ना तो क्या फॉर्मूला बनता है? एफ आर बराबर एक बट्टा में 2 पाई अंडररूट में एल सी। अपन आप इतना थोड़ी करेंगे, कर चुके अपन तो। इसको हल करके देख लेना, सेम फॉर्मूला आएगा। यहां तक कोई दिक्कत समस्या? ये था आपका रेजोनेटर। चलो आगे। चलो इनके प्रयोग बताता है। यूज श्रेणी अनुनादी का प्रयोग, श्रेणी अनुनादी इनका प्रयोग होता है कहां पे? फिल्टर परिपथ में। क्या होता है? फिल्टर परिपथ में। बताता हूँ, फिल्टर परिपथों में, फिल्टर परिपथों में, फिल्टर परिपथों इन दोनों का यूज क्या होता है? फिल्टर परिपथों। मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, अभी को आप याद रखना। इसका प्रयोग होता है बैंड पास में। किसमें होता है? बैंड पास फिल्टर परिपथ। किसमें होता है? बैंड पास फिल्टर परिपथ में। बैंड का मतलब होता है एक फ्रीक्वेंसी के समूह। फ्रीक्वेंसी के समूह को क्या बोलते हैं? बैंड बोलते हैं। एक फ्रीक्वेंसी का समूह, जैसे आप एफएम सुनते हो अपन 92.7 एफएम लगा तभी आवाज क्या आती है? क्लियर। तो 92 से लेके 0.7 तक ये क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी का समूह हो गया। उतने को पार करता है, ना उससे पहले को ना उसके बाद वाले को करता है। नहीं समझे क्या मेरी बात? 92.7 लिखते हैं ना तब आवाज आपको एफएम पे क्लियर नहीं आती। मतलब 90 यानी 92 से लेके 0.7 तक, तो बीच में 0.1 0.2 0.3 0.4 भी तो आया होगा, ऐसे तो आया होगा। तो एक फ्रीक्वेंसी का समूह नहीं हो गया। इस फ्रीक्वेंसी के समूह को क्या करता है? पार। ना तो 92 से पहले वाले की करते हैं, ना 0.7 के बाद वाली करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का समूह क्या कहलाता है? बैंड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी समूह को पास करने वाला परिपथ बैंड पास फिल्टर परिपथ कहलाता है। इनके अंदर यूज हो रहा है श्रेणी अनुनादी परिपथ। किस रूप में, किस कनेक्शन संयोजन अगर पूछे तो याद रखना संयोजन। श्रेणी अनुनादी में, अनुनादी में। चलो इतना ही बहुत है, कनेक्शन तो अभी आपको पूछेगा नहीं। समांतर, इसका भी यूज कहां होता है? इसका यूज होता है बैंड स्टॉप, बैंड स्टॉप फिल्टर परिपथ में, फिल्टर परिपथ में। सेकंड में बताऊंगा किस कनेक्शन समांतर रेजोनेंट सर्किट समांतर में जुड़ता है, श्रेणी रेजोनेंट सर्किट श्रेणी में जुड़ता है। आगे पढ़ेंगे बैंड पास बैंड स्टॉप के अंदर तो क्या बैंड पास में तो श्रेणी अनुनादी श्रेणी में जुड़ता है, समांतर अनुनादी समांतर में जुड़ता है। बैंड अगर स्टॉप करेगा तो समांतर संयोजन तो श्रेणी में जुड़ जाएगा और श्रेणी वाला किसमें जुड़ जाएगा समांतर में। ये कंफ्यूजन वाला चैप्टर है, आगे करेंगे सेकंड ईयर में जब आओगे। ये था आपका अनुनादी परिपथ। दोबारा सुन लो, अनुनादी परिपथ किसको बोलते हैं? आरएलसी परिपथ की कुल प्रतिबाधा क्या बोलते हैं? सॉरी, आरएलसी परिपथ का वे आरएलसी परिपथ जिसमें एक्सएल तथा एक्ससी का मान क्या हो जाए? बराबर हो जाए। दो प्रकार के होंगे, श्रेणी और समांतर। श्रेणी के अंदर जेड बराबर क्या बचता है? आर के, और इसके अंदर जेड बराबर एक्सएल उसके बटा में आर। यूज कहां होता है? दोनों का यूज कहां होता है? फिल्टर परिपथ में। श्रेणी का यूज होगा बैंड पास में और समांतर का यूज होगा बैंड स्टॉप में। उतारो फिर चलते हैं। मोटोड़ा प्रतीक हमेशा बड़े ही होते हैं। एक लिख लो, ये लो, गुणवत्ता कारक। क्या होता है? गुणवत्ता कारक। चले फॉर्मूला याद रखो, गुणवत्ता कारक 1 बट्टा में आर अंडररूट में एल अपॉन में सी। ये गुणवत्ता कारक का फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है? गुणवत्ता कारक। अब आप पढ़ने जा रहे हो वैद्युतिक राशि। पहले वैद्युतिक राशि करते हैं, पावर फैक्टर थोड़ी देर में करवाता हूँ। वैद्युतिक राशियां, वैद्युतिक राशि कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है गधो? 3 प्रकार। कितने प्रकार की? कौन कौन सी? वास्तविक शक्ति, अरे राशि नहीं, वैद्युतिक शक्ति पढ़नी है। राशियां तो क्या होती है? इन फेज, आउट ऑफ फेज, क्वाड्रेचर और एंटी फेज राशि थी। वैद्युतिक शक्ति पढ़नी है आपको। चलो आगे, शक्ति एक तो कौन सी होती है? वास्तविक शक्ति। एक कौन सी होती है? आभासी, आभासी शक्ति। एक कौन सी होती है? प्रतिक्रियात्मक। आज क्या कर रहे, दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। वास्तविक शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिक्रियात्मक शक्ति है आ रही है, चाहे अभी बन के आ रही है। वास्तविक शक्ति जिसको क्या बोलते हैं? रियल पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियल पावर। परदेशी अगर पूछे, परदेशी किससे करते हैं? पी से। किससे करते हैं? पी से। फॉर्मूला था पी बराबर वी आई कोस थीटा, वी आई कोस थीटा, वी आई कोस थीटा। वास्तविक शक्ति बोल दो या रियल पावर बोल दो, परदेशी करते हैं पी से वी आई कोस थीटा। अच्छा, इकाई क्या होती है? मापा किसमें जाता है? इसको मापा किसमें जाता है? मापा जाता है kW, यानी कि किलो वाट में। आभासी शक्ति पे आ जाए, आभासी शक्ति। चले आगे, इसको अपेरेंट पावर भी बोलते हैं। अपेरेंट पावर। वास्तविक शक्ति क्या बोलते हैं? अपेरेंट पावर भी बोलते हैं। आभासी शक्ति याद हो, आभासी शक्ति क्या परदेशी किसे करते हैं? आभासी शक्ति को प्रतीक से किसे करते हैं? एस से। किसे करते हैं? एस। ये प्रतीक इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। शक्ति लोग सोचन खाली पी से करते होंगे, नहीं, वास्तविक शक्ति को करते हैं पी से, आभासी शक्ति को एस से। एस का फॉर्मूला बनेगा एस बराबर वी आई, केवल क्या बनेगा? वी आई। फिर बोलेगा मापा किसमें जाता है, तो मापा के वी ए में, इसमें किलो वोल्ट एम्पेयर, किलो वोल्ट एम्पेयर। सही चल रहा है, मिलाते जा रहा है साथ में। प्रतिक्रियात्मक शक्ति जिसको आप क्या बोलते हो? रिएक्टिव पावर। क्या बोलते हैं? रिएक्टिव पावर। परदेशी अगर पूछे किससे करते हैं? क्यू से। किससे करते हैं? क्यू से। क्यू बराबर, वी आई साइन थीटा। मापा किसमें जाता है? के वी ए आर, के वी ए आर में। वेरी वेरी मोस्ट लाइन है ये, ध्यान रखना। वास्तविक शक्ति, आवाज शक्ति और प्रतिक्रियात्मक शक्ति। चलो आगे, वास्तविक शक्ति को किसमें मापा जाता है? के डब्ल्यू ए में। आवाज शक्ति को मापा जाता है किसमें? के वी ए में। और प्रतिक्रियात्मक शक्ति को किसमें मापा जाता है? के वी ए आर में। वास्तविक शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर वी आई कोस थीटा। आवाज शक्ति का एस बराबर वी आई, एस बराबर वी आई। और प्रतिक्रियात्मक यानी रिएक्टिव पावर का क्यू बराबर वी आई साइन थीटा, वी आई साइन थीटा। चलेंगे आगे। अच्छा, एक इधर से नियम देखना, ये होता त्रिभुज। ये सब नई बात पता चली क्या आपको? चलो फिर पहले पता नहीं था क्या? मेरे को नहीं था। ये त्रिभुज चले, यहाँ होता है के डब्ल्यू, क्या होता है के डब्ल्यू, यानी कि वास्तविक है, इसको बोलते हैं वास्तविक शक्ति यानी कि अपैरेंट पावर। ये क्या होते हैं के वी ए आर यानी कि प्रतिक्रियात्मक शक्ति, प्रतिक्रियात्मक शक्ति, प्रतिक्रियात्मक शक्ति। यहाँ क्या होता है, क्या होता आवाज यानी कि के वी ए। अब क्या निकालना, अगर के डब्ल्यू निकालना तो कैसे निकालें? के डब्ल्यू बराबर के वी ए आर का स्क्वायर प्लस के वी का माइनस, नहीं लगेगा क्या? आधार निकाल रहा ना, पाइथागोरस पर में लग जाएगी। आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस तो के वी ए माइनस होगा ना, के वी ए माइनस के वी ए आर अंडररूट में। फिलहाल आपको तो ये चीजें याद रखनी सारी। त्रिभुज नियम कर लिया, सही है एकदम से, ठीक है उतारो फिर चलो।